लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया गठबंधन है उसमें सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 18 ऐसी सीटें हैं जो वो अपने घटक दलों को सौंपेगी। और इसको लेकर अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि हम तमाम ऐसी सीटों पर अपना समर्थन जाहिर नहीं करेंगे जहां से समाजवादी पार्टी का पिछले चुनावों में प्रदर्शन अच्छा ना रहा हो। ऐसी वो तमाम सीटें घटक दलों को सौंपी जाएगी जिसमें बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है। तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में नहीं है। और उसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो चाहे अमेठी की सीट हो, रायबरेली की सीट हो, हमेशा से समाजवादी पार्टी शिष्टाचार के चलते वहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारती क्योंकि वहां से कांग्रेस के शीर्ष नेता चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में ये अहम माना जा रहा है कि इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो विपक्षी गठबंधन मजबूती से लड़ना चाहता है और वो चाहता है कि हम तमाम सीटों पर ऐसे जिताऊ प्रत्याशी उतारें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।